देहरादून से ही अगली खबर, जहां पर्वतीय क्षेत्र का सफर अब सुखद होगा। पर्वतीय मार्गों पर रोडवेज से सफर होगा आरामदायक और परिवहन निगम करीब 130 बसें लेगा रोडवेज बस को लेने की प्रक्रिया को पूरा करेगा। बसों को 13 रोडवेज डिपो में वितरित कर दिया जाएगा। 130 बसें 13 डिपो में वितरित करी जाएंगी, जिससे कि पर्वतों का जो सफर है वो सुखद हो सकेगा। जानकारी लेते हैं, सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अच्छी कोशिश है और इससे ना केवल सफर सुखद होगा बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेवल करते हैं, अप डाउन करते हैं, रोजमर्रा में उनका आना जाना होता है, उनके लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था हो सकती है। और इसके साथ ही जब कोशिश रोडवेज बसेस को शुरू करने की हो रही है, तो वहां आने वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं एक और साधन अच्छा मिल सकेगा। अब देखिए, उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थिति है और ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी और एक आम जन के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि रात्रि के समय में यहाँ वाहनों का संचालन नहीं होता है दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिहाज से। और अब जो परिवहन विभाग है वो कोशिश जरूर कर रहा है, काफी लंबे समय से कई क्षेत्रों से मांग भी की जाती रही है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप छोटे आकार की जो रोडवेज की बसें हैं उनका संचालन और उसके दायरे को बढ़ाया जाए। अब ये प्रयास किए जा रहे हैं, जो संबंधित कंपनी है उसको विभाग की तरफ से पत्र लिखा गया प्रशिक्षण के लिए और जल्द ही उम्मीद ये की जा रही है पारोई के तकरीबन 130 रोडवेज के छोटे साइज की जो बसें हैं वो उत्तराखंड में पहुंचने वाली है। और जब ये बसें पहुंचेंगी तो इनके जो प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी, चालकों की और तकनीकी जो प्रशिक्षण है। और इसके साथ साथ तकरीबन जो 13 डिपो है उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों के रोडवेज के, उनमें इनका वितरण किया जाएगा। तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो रोडवेज की बसों का सफर है वो और सुखद होने जा रहा है और ये कोशिश जरूर की जा रही है। देखना होगा, उम्मीद ये की जा रही है कि इस माह के अंत तक ये व्यवस्था जो है पूरी हो जाएगी, यानी जो बसें हैं वो मिल जाएंगी और इनका सफर शुरू हो सकेगा। किस तरह से अधिकारी कितने कम से कम समय में इनको ले पाएंगे और इनका संचालन शुरू कर पाएंगे, इसका इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल सोनू, लौटूंगी आपके पास अगली खबर पर, जान कर लेंगे। तो परिवहन विभाग की तरफ से जहां पर्वतीय क्षेत्र का सफर अब दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, यूं कहें कि जैसे कि अभी सोनू जिक्र कर रहे थे कि रात के समय पर गाड़ियां नहीं ज़्यादा चलती थी सुरक्षा की दृष्टि से भी, लेकिन अब 130 बसें जो है परिवहन विभाग लेगा, जिसमें 13 डिपो में बसों को बांटा जाएगा।